हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने कुछ मंगवाना है तो आप लोग को दिखाती हूँ। गाइस, ये हमारा पार्सल है तो इसमें क्या है, चलिए लस्सी देखते हैं। तो टांगड़ा, तो ये पार्सल खोला मैंने जैसे, तो इसमें है, मैंने मंगाया फोटो फ्रेम जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइस, लेट्स सी देखते हैं। तो ये देख सकते हो, ये फोटो फ्रेम है, ये ट्रांसपेरेंट वाला है, इसमें ग्लास नहीं है, काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, तो ये मैंने 6 का सेट मंगवाया है, देख सकते हो। तो ये गाइस मैंने क्यों मंगाया है तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ लड़सी। तो देख सकते हो तो गाइस, ये कुछ मेरे फोटोग्राफ है, ये हम लोग मंदिर गए थे वहाँ का है, लिलोरी मंदिर। हम लोग ये वैष्णो देवी गए थे ना, तो वहाँ में भी हम लोग फोटो खिंचवाया था कुछ इस तरह से। तो ये सब है, तो अब ये सब को भी इसमें डाल देंगे, फोटो फ्रेम में हम लगा देंगे बारीक बारीक से, एक एक करके। तो गाइस, रहता है ना कि कहीं जाते हैं तो उसकी यादें रहे, तो इसी तरह हम लोगों ने ले निकाल लिया। मैंने कुकर ले लिया और दाल को और राजमा को अच्छे से वॉश कर लिया। तो ये मैं दाल मखानी बना रही हूँ, तो मैं इसमें प्रेशर कुकर में डाल दूँगी और 4 से 5 से 6 सीटी लगवाऊंगी। और यहीं पे साथ में ही मैंने, शाम हो गई है तो मैंने सोचा चलो जल्दी डिनर बना लेते, और यहाँ मैं अपना चाय बना रही हूँ। हे गाइस, यहाँ मैं अपना चाय बना रही हूँ और यहाँ दाल मखानी चढ़ा देती हूँ फिर। तो गाइस देख सकते हो, तो इसमें मैं पानी ऐड ऑन कर रही हूँ, तो मैंने पानी ऐड ऑन कर दिया है और थोड़ा पानी भर गया। अब इसमें डाल दूंगी मैं नमक हल्दी। तो सबसे पहले 1-2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, सब डाल के प्रेशर कुकर में सीटी लगा देते हैं। तो देख सकते हैं गैस, मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है और ये मेरे शाम की टी बन रही है जो कि मैं अच्छे से खिलाऊंगी और उसके बाद देन पीऊंगी। तो देख सकते हैं गैस, मैंने चाय ले ली है और साथ में एक टोस्ट और एक कुकीज ले लिया। और ये सुबह मैंने उपमा बनाया था ना, तो वो थोड़ा सा बच गया था, मैंने सोचा चले खा लेते। घर का काम करते करते कितनी थकान हो जाती, तो आज मैंने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की, मतलब अपना बेड को साइड वाला साफ़ किया, फिर अपना अलमीरा को साफ़ किया, अच्छे से सजाया। और फ़ोटो मैंने लगा दिया था, ये आएंगे ऑफिस से, ऑफिस गए हुए फिर आके लगाएंगे। वैसे तो गाइस स्मेल आती है, बट कुछ कुछ मन करता है ना खुद से भी करे, डेकोरेट करे, सजाए, इसलिए। और ये मेरी टी है, आप लोग को पीना है तो आ जाओ ये लीजिए। और गाइस बताइए, आप सावन में क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, समथिंग कुछ स्पेशल न्यू? हम तो दर्शन करके आए वैष्णो देवी से, बहुत चढ़ाई थी गाइस। तो आप लोग भी जाए तो डंडा जरूर लेके जाए, या आपको घोड़ा की सवारी करनी है तो घोड़ा तो अर्धकुंवारी तक जाता है और पालकी ऊपर तक जाता है। तो घोड़ा की सवारी 650-650 से स्टार्ट है और पालकी की है 2500 प्लस। तो गाइस जब जाओगे तो थोड़ा देख लेना, रेट ऊपर नीचे होते रहता है। तो गाइस मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमारे चैनल में नए आए तो पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। ओके प्लीज़ गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्रेक के बाद। गाइस मेरा दाल बन के रेडी है जो कि काफ़ी गाढ़ा बना है, और यहाँ मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। जैसे ऑयल गर्म होगा तो मैं हींग डालूंगी, तो ऑयल मेरा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका तो हींग डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने प्याज लहसुन और मिर्चा चॉप किया हुआ है, टमाटर चॉप किया हुआ है। चलिए अब इसे डालते हैं प्याज मिर्चा टमाटर।
प्याज मिर्च और लहसुन को ऐसे 2 मिनट तक कुक करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस मेरा प्याज कुक हो रहा है, 50% और 70% हो चुका है, थोड़ा होने देते हैं। गाइस प्याज मिर्च और लहसुन ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, तो उसमें मैं जा रही चॉप किए हुए टमाटर, उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है मैंने, और इसे 2 मिनट तक 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। इसे कुक होने देते हैं और साथ में मैं डालूंगी गरम मसाला 2 छोटे चम्मच। डाल दिया, फिर 2 मिनट तक कुक करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस मेरा टमाटर अच्छे से कुक हो रहा है, सारा मसाला अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो गाइस 2 मिनट और इसे कुक कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट इसमें दाल डाल देंगे। तो देख सकते हैं गाइस मेरा टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, अब इसमें आती है दाल डालने के बाद। तो इसमें मैं दाल ऐड ऑन कर देती हूँ। और इसे 5 से 10 मिनट तक और कुक होने देंगे, दैन इसमें डालेंगे बटर के क्यूब्स। तो इसे 5 से 10 मिनट तक कुक होने देते हैं। 10 मिनट हो गया, तो देखते हैं हमारा दाल बन के रेडी। तो गाइस देख सकते हो दाल काफ़ी अच्छा गाढ़ा बन के रेडी है, मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस टेस्ट करके ज़रूर बताएंगे, वैसे ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देन आप इसमें बटर के क्यूब्स डाल देते हैं। और गाइस मैंने रखा था बस वो मेल्ट हो गया, तो ऐसे ही मैं डाल देती हूँ और देन इसे ढक देंगे और फिर जब खाने टाइम इसे गर्मा गर्म परोसेंगे। तो ये हमारा राइस और ये दाल मखानी, बहुत लोग उसको तड़का दाल भी बोलते हैं, और ये बूंदी वाली रायता राइस, और ये उपमा जो रवि जी ने बचा के रखा है पता नहीं क्यों, और ये जनाब थक गए गाइस, आज इनका ऑफिस था तो पूरा दिन भर रोटी रोटी खाए, तो रात में बोले मुझे दाल और चावल और रायता खाना है। तो देख सकते हैं गाइस, तो खा के बताइए कैसा बना है। गाइस देख सकते हैं मेल जोल करके आज हम खाना खाएंगे, बहुत स्वाद लग रहा है मेरे को देखने में। कैसा होना खाना, बहुत स्वाद है। तो देखा गाइस कैसे मैंने बनाया है, इनको बहुत स्वाद लग रहा है। और कुछ बोलना चाहेंगे? तो इतने टाइम बाद ऑफिस जाके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, हम जाते रहते बीच बीच में, लेकिन क्या कि जब जाते ना तो उस दिन हालत बहुत खराब रहता है, बदन कमर सब दर्द करता है, लेकिन कोई बात नहीं, सावन का महीना एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, आप लोग भी चिल कर रहे हैं। तो चलिए गाइस हम लोग डिनर कर लेते हैं। आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग, अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। एक बात और, ब्लॉग में आते हैं तो प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।